उदाहरण आठ सरल कीजिए। पहला, 3 की घात 2m धन 1 गुणित 9 की घात 3m बटे 3 की घात 4m धन 1। हमें 3 का घात 2m धन 1 गुणित 9 का घात 3m बटा 3 का घात 4m धन 1 को सरल करना है। इसके लिए सबसे पहले हम प्रश्न पर देखेंगे कि आधार यहाँ 3 है, इधर 9 है और इधर 3, तो 9 को हम सबसे पहले 3 में बदलेंगे। आधार जो है 9 है, इसे हम 3 में बदलेंगे। तो इसके लिए हम 3 का घात 2m धन 1 लिखेंगे गुणित, इस 9 को हम 3 का घात 2 लिखेंगे क्योंकि 3 * 9 होता है, और इसको हम कोष्टक में लिखेंगे का घात 3m बटा 3 का घात 4m धन 1 बराबर 3 का घात 2m धन 1 गुणित 3 का घात, यहाँ पे घात जो है 2 कोष्टक के अंदर और कोष्टक के बाहर 3m गुणा हो जाएगा, तो 2 * 3m बराबर 6m बटा 3 का घात 4m धन 1। यहाँ पे हमने घात में घात का नियम लगाया है, 1 * m * n बराबर 1 * m * n बराबर, यहाँ पे देखेंगे आधार 3 और यहाँ पे आधार 3 है, इसको हम गुणा का नियम लगाएंगे, इसमें आधार को एक बार और घात जो है हमारी जुड़ जाएंगी, तो 3 का घात 2m धन 1 धन 6m बटा 3 का घात 4m धन 1। यहाँ पे हमने घातांक का गुणा का नियम लगाया है, 1 * m गुणित 1 * n बराबर 1 * m धन n होता है। आगे हम इसे अगले पृष्ठ में देखेंगे। हमें प्राप्त हुआ था 3 * 2m धन 1 धन 6m बटा 3 * 4m धन 1 बराबर 3 * 2m धन 6m बराबर 8m धन 1 बटा 3 * 4m धन 1 बराबर, यहाँ पे अंश में घात आधार 3 है और हर में भी आधार 3 है, तब हम यहाँ घातांक में भाग का नियम लगाएंगे। तो आधार 3 को हमने एक बार लिखा और अंश का घात 8m धन 1 को हमने कोष्टक में लिखा, भाग में यहाँ ऋण और फिर हर का घात 4m धन 1 को दूसरे कोष्टक में। हमने यहाँ पे घातांक का नियम लगाया है, 1 * m बटा 1 * n बराबर 1 * m ऋण n बराबर 3। कोष्टक को जब हम खोलेंगे तब हमें प्राप्त होगा 8m धन 1, ऋण चिन्ह को जब ऋण 1 को जब हम कोष्टक खोलने पर हमें प्राप्त होगा ऋण 4m और ऋण 1 गुणित धन 1 बराबर ऋण 1 बराबर 3। 8m
ऋण 4m, धन 1, ऋण 1 बराबर 3 का घात 8m, ऋण 4m बराबर 4m और धन 1, ऋण 1 बराबर 0। तो हमें प्राप्त हुआ 3 का घात 4m। यह उदाहरण का हल होगा। दूसरा, x की घात a धन b गुणित y की घात a ऋण b बटा x की घात a धन 2b गुणित y की घात a ऋण 2b। हमारे पास प्रश्न है, x का घात a धन b, y का घात a ऋण b बटा x का घात a धन 2b, y का घात a ऋण 2b। इसे हम सबसे पहले लिखेंगे, x का घात a धन b बटा x का घात a धन 2b गुणित y का घात a ऋण b बटे y का घात a ऋण 2b। अब यहाँ पे घातांक में हम भाग का नियम लगाएंगे, क्योंकि अंश और हर के आधार में x है। तो x अंश का घात a धन b को हम कोष्टक में लिखेंगे और भाग के नियम से घात में ऋण चिन्ह लगेगा और हर का घात a धन 2b को हम कोष्टक में लिखे। पुनः हम इसे भी घातांक का भाग का नियम लगाएंगे, तो y अंश का घात a ऋण b को कोष्टक में लिखेंगे, ऋण हर का घात a ऋण 2b को हम पुनः कोष्टक में लिखेंगे। यहाँ हमने घातांक का भाग का नियम लगाया है। चूंकि a का घात m बटा a का घात n बराबर a का घात m ऋण n होता है बराबर, कोष्टक को जब हम खोलेंगे तो हमें प्राप्त होगा x का घात a धन b, कोष्टक खुलने पर ऋण को जब हम धन ए से गुणा करेंगे तो ऋण ए, ऋण को धन से गुणा करने धन दो बी से गुणा ऋण ए को धन दो बी से गुणा करने पर ऋण दो बी गुणित y का घात, पुनः घात में कोष्टकों को खोलने पर हमें प्राप्त होगा a ऋण b ऋण ए धन 2b बराबर x का घात a ऋण a धन b ऋण 2b गुणित y का घात a ऋण a ऋण b धन 2b बराबर x का घात a ऋण a 0 धन b ऋण 2b बराबर ऋण b गुणित y का घात a ऋण a 0 तथा 0 धन ऋण b धन 2b बराबर b। आगे हम अगले पृष्ठ में देखते हैं। हमें प्राप्त हुआ था x का घात 0 धन ऋण b गुणित y का घात 0 धन b बराबर x का घात ऋण b गुणित y का घात
शून्य धन बी बराबर बी। अभी हम यहाँ पे ऋणात्मक जो घात है ऋण बी, इसको धनात्मक में बदलने के लिए इसे हम लिखेंगे एक बटा एक्स का घात बी गुणित वाई का घात बी। हमने यहाँ पे घातांक का नियम लगाया है, क्योंकि ए का घात ऋण एम बराबर एक बटा ए का घात एम होता है बराबर y का घात b बटे एक गुणित y का घात b बराबर y का घात b बटे x का घात b। इसे हम लिख सकते हैं y बटा x का घात b। हमने यहाँ पे घातांक का नियम लगाया है a का घात m बटा b का घात m बराबर a बटा b का घात m। यह उदाहरण का हल होगा।